सचिव जी, मैडम चेयरपर्सन, आई हैव टू रिपोर्ट दैट राज्यसभा हैज पास टुडे द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2019 एंड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019. मैडम आई ले ऑन द टेबल बोथ द बिल्स एज पास बाय राज्यसभा. थैंक यू. श्री गोपाल शेट्टी जी. धन्यवाद सभापति महोदय जी. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2019 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं. अध्यक्ष महोदय, न्यायालय को देवालय और न्यायाधीश को न्याय देवता मानने वाला ये हमारा देश है, लेकिन धीरे धीरे जनमानस में न्याय प्रणाली के बारे में अपनी विश्वासार्हता कम होते जा रहा है. लेकिन आज भी न्यायाधीशों के बारे में आदर और सम्मान का भाव बना हुआ है. मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में बना रहे और इसमें वृद्धि हो. मैं सम्मान्य लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में ज्यूडिशरी सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई देता है. हमने कमर्शियल कोर्स की व्यवस्था की, हमने आर्बिट्रेशन बिल अमेंडमेंट करके उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव करते हुए न्यायालय में जो प्रलंबित खटले हैं उनको जल्दी से जल्दी उसका निपटारा कैसा हम किया जाए उसके बारे में सरकार बहुत ही चिंतित होते हुए हम अग्रसर है. ये बहुत ही अच्छा समाधान का विषय है. अध्यक्ष महोदय, जब देश में अंग्रेज जब राज कर रहे थे तो उनका तो मातृभाषा अंग्रेजी था, इसलिए सभी देश में अंग्रेजी में न्याय प्रणाली चलने लगी थी उन दिनों में. लेकिन आज़ादी के पश्चाताप भी हमने उस परंपरा को कायम रखी है. मैं न्याय मंत्री से इस बात का निवेदन करूंगा कि सभी राज्यों के राज्य भाषा में हमने न्याय प्रणाली को प्रारंभ करना चाहिए. इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा अध्यक्ष जी, क्योंकि जो वकील होते हैं वो सीखने के बाद में बहुत प्रामाणिकता से वकीलों का आदर करते हुए मैं इस बात को कहना चाहूँगा, वो केस खुद लड़ते नहीं है, उनसे बड़े वकीलों का नियुक्ति करते हैं. इसलिए जो न्याय प्रणाली वो महंगा होते जा रहा है. हम अपने मातृभाषा में बातचीत करेंगे तो न्याय प्रणाली में स्पीडी भी होगा और सस्ता भी होगा. इसके लिए इसके बारे में बहुत जल्दी से हमको सोचना चाहिए. देश के प्रधानमंत्री 2022 तक देश में बहुत सारे बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं. मैं चाहूँगा कि ये बदलाव भी 2022 तक आए और देश के सभी राज्यों में अपनी मातृभाषा में न्याय प्रणाली चले. अध्यक्ष जी, न्याय प्रणाली बहुत महंगा होते जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में तो और ज़्यादा महंगा होते जा रहा है, इसलिए मैं उस विषय में बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा. हमारे देश में आधे केसेस लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है. जो पैसे वाले लोग हैं वो न्याय पाने के लिए नहीं जाते, लेकिन जिसको कॉरपोरेट सेक्टर में तो खास करके जिसको ठेका मिल गया, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, किसको काम मिल गया, तो उसको परेशान करके काम में और विलंब भी कैसे लाए, इसके लिए भी एक प्रयास हो रहा है. तो इस बात के बारे में मैं चाहूँगा कि सरकार कोई गंभीरता से इसका थोड़ा अध्ययन करते हुए आने वाले दिनों में हम कैसा इसमें बदलाव लाए उसके लिए प्रयास करना चाहिए. मैं सुप्रीम कोर्ट का अप्रिशिएट इसलिए भी करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम न्याय का निपटारा फटाफट होता है. महंगा हो गया ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन वहाँ पर कम से कम निपटारा बहुत जल्दी होता है. इसके लिए मैं बहुत समाधान भी व्यक्त करता हूँ. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा. आप देखिए, मैं हैरान जब हुआ था जब हमारे डॉक्टर जायसवाल जी जब अपना भाषण कर रहे थे मेडिकल काउंसिल के बिल पर, तो मेडिकल काउंसिल के बिल के बारे में वो बात करते हुए सरकार ने जब नीट का एक परीक्षा लाने का व्यवस्था किया तो सारे देश के जो कॉलेज के लोग कोर्ट में गए और कोर्ट के माध्यम से जो जजमेंट लाया और जो सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने वाले थे और उसके पहले उन्होंने इतना बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दे दिया और उसके बाद में सब मेडिकल काउंसिल के माध्यम से भ्रष्टाचार का तो यहाँ पर सभागृह में कितनी चर्चा हुई उसको हमें पता है, लेकिन सरकार ने उसको बिल के माध्यम से लाकर मेडिकल काउंसिल को बर्खास्त करते हुए मेडिकल काउंसिल का जो निर्माण किया एक अच्छा पहले. लेकिन इसके बीच में कितने लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, जो हमारे अच्छे मेरिटेड बच्चे थे वो मेडिकल का एजुकेशन एडमिशन पाने से वंचित हो गए और जिनको नहीं मिलना चाहिए था वो सारे पैसे के प्रभाव से इस सिस्टम में आ गए और देश में किस तरह की हैरानी परेशानी हो रही है हम सब लोग देख रहे हैं. अध्यक्ष जी, नजाक नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी है, मैं भी उसको उसमें ऐड करना चाहूँगा अपने आप को. हमारी सरकार का बहुत ही प्रामाणिक प्रयास है कि जुडिशरी सिस्टम को भी हम ठीक ठाक करें. ये पहली सरकार है कि इसमें इतना अच्छा नजाक
जो देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर होने वाले जज है, ऐसे चार मुख्य लोग आकर जो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा उसका चयन करने का एक प्रक्रिया इतना अच्छा लाने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस भेजा है। मैं चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और लॉ मिनिस्टर नजाक का कायदा जल्दी से जल्दी लाकर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है उसको आने वाले दिनों में जल्दी कैसे हो और उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव कैसे लाए उसके बारे में भी प्रयास करें। अध्यक्ष जी, हम न्यू इंडिया के और आगे बढ़ रहे हैं, हम न्यू इंडिया के और आगे बढ़ रहे हैं तो 2022 तक हमारे देश में जितने भी जो जूने केसेस है वो सारे के सारे खत्म हो, इसके लिए भी लॉ मिनिस्टर ने एक प्रयास करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने तो बहुत सारी जवाबदारी ली है कि 2022 तक हमको सब कुछ पूरा करना है। मैं चाहूंगा कि हमारे लॉ मिनिस्टर 2022 तक जितने जूने प्रलंबित केस है, मैं एक मिनट पूरा करूंगा अध्यक्ष, एक मिनट पूरा करूंगा, जितने भी जूने केसेस है वो हम पूरा करें उसके लिए हमने प्रयास करना चाहिए, क्योंकि केसेस बहुत लंबा जब चलता है तो जो व्यवसाय करने वाले हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि 2000 बहुत ही जल्दी हम $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी की ओर बढ़े, और ये अगर केसेस के कोर्ट में केसेस का निपटारा अगर हम जल्दी समय पर नहीं करेंगे तो जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनका आधा समय कोर्ट में चला जाता है, आधा पैसा कोर्ट में खर्चा होता, तो हम व्यवसाय कब करेंगे? इसके लिए 2022 तक जो जूने केसेस है वो सारे के सारे खत्म कैसे हो उसके लिए हमने प्रयास करना चाहिए। डबल शिफ्ट क्यों ना हम करना चाहिए अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट को जब आप इतना लंबे समय तक चलाते हो, हमको तो उतने ही पगार में हम लोग काम करने के लिए तैयार, इससे भी ज्यादा चलाइए, लेकिन न्यायाधीशों को डबल पगार दीजिए, डबल उनकी नियुक्ति करिए, और जितने भी केसेस है वो डबल शिफ्ट चलाकर सारा का सारा केसेस का निपटारा 2022 तक जूना खत्म हो, इस प्रकार का एक प्रयास हम सब लोगों ने करने का प्रयास करना चाहिए। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।